हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये वोकैब का पार्ट सिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कम्प्लीटली, ओवरऑल, एक्सटेंसिवली, मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है तो उसके लिए हम एग्जॉस्टिव यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? सेंटेंस बनेगा, कार के एग्जॉस्ट पाइप सबने ही देखा है, ठीक है। कार के एग्जॉस्ट पाइप में, और सिंपल सी बात है, कार जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ये भी सबको पता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स निकलते हैं उसके जो है धुएं में। तो कैसे सेंटेंस कैसे बना लेंगे? सेंटेंस ऐसे बना लेंगे, कार के एग्जॉस्ट पाइप से कार्बन पूरी तरीके से निकल गया। तो मतलब पूरी तरीके से, मतलब कम्प्लीटली, ओवरऑल, एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव तरीके से, पूरी तरीके से निकल गया। कार का फोटो है ये, देखिए ये इसका जो है क्या नाम है, जो धुआं है वो निकल रहा है। तो आप इसको इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है विक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैंने इसको बनाया भी, बहुत आप बहुत इजीली याद कर लेंगे। आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, फ़ोटो में ये जॉन विक है, सब मूवी आई थिंक सबने देखी है, बहुत फेमस मूवी है। तो इसको उसी चीज़ से याद कर लेंगे, है ना। जो इसमें वर्ड है विक्ट, विक्ट का मतलब होता है पापी, कपटी, जो गलत काम करता है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा, जॉन विक का करेक्टर पापी कपटी वाला होता है। जॉन विक मूवी में आपने देखा है कि ये सीरियस किलर होता है, जो किलिंग करता है, ऑनर किलिंग करता है पैसों के बेसिस पे। तो वही चीज़ है, इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि जॉन विक का पिक्चर का फोटो लगा हुआ। तो जैसे ही जॉन विक का फोटो देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगी चीज़, हाँ, जॉन विक मतलब जो पापी कपटी हो, जो विशेषियस हो, सिनिस्टर हो, मिस्चीवियस हो, ठीक है। और इसको तो आप इजीली याद रखेंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है वैनिटी। ये भी बहुत आसानी से मैंने ट्रिक बनाई है इसकी, जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। आपने वैनिटी, वैन का मतलब होता है घमंड, प्राइड, एरोगेंस दिखाना। इसको याद करने का तरीका हम देखेंगे, याद कैसे कर सकते हैं। आपको सबको पता होगा वैनिटी वैन होती है, जिसमें ये आपका बॉलीवुड स्टार्स वगैरह ये रुकते हैं, इनकी पर्सनल वैनिटी वैन होती है। तो उसी से बस मैंने उठा लिया, ये देखिए वैनिटी है। तो ये कोई लड़का है रोहित, वैनिटी, सेंटेंस कैसे बनाया है? सेंटेंस बन जाएगा, वैनिटी वैन से रोहित घमंड और प्राइड दिखा रहा है। वैनिटी वैन ली उसने, खरीद ली है, इसलिए वो दूसरों को घमंड और अभिमान, प्राइड, प्राइड और एरोगेंस दिखा रहा है कि उसके पास वैनिटी वैन है भाई, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्लोपी। स्लोपी को, या स्लोपी का मतलब होता है जो मैला कुचैला होता है, मडी, अनवॉश्ड हो। और इसका सिनोनिम मैंने आपको पहले बताया, डिसशेल्व्ड। डिसशेल्व्ड का भी मतलब होता है मैला कुचैला, जो साफ ना हो, जो है अनसैनिटाइज्ड हो, उसको बोलते हैं। और इसका एक सिनोनिम अनसैनिटाइज्ड ही भी होता है। जैसे ही आप देख रहे हो कोरोना वायरस चल रहा है, तो एक वर्ड आप इजीली ये भी याद कर सकते हैं, अनसैनिटाइज्ड, मतलब जो साफ ना हो, मैला कुचैला, जो साफ सुथरा ना हो, मैला कुचैला हो। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा, सुमित का लैपी मैला कुचैला, मडी, अनवॉश्ड है। स्लोपी को आप तोड़ सकते हैं मिस एस से सुमित में, और लॉपी से लैपी में। तो देखिए लैपी का फोटो है, इस पर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई है, कितना मैला कुचैला है, तो बस यहीं से आप उठा लीजिए। तो हो जाएगा सुमित का लैपी मैला कुचैला, अनवॉश्ड, मडी है। अगला वर्ड देखते हैं, स्ट्रिफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार पूछा भी गया है, इस पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रिप का मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा। तो याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने ली है, जो है स्ट्रिप से हो जाएगा स्ट्रिप। तो सेंटेंस बन जाएगा, लड़की की स्ट्रिप खींचने पर, सिंपल सी बात है, लड़की की स्ट्रिप, लड़की को छेड़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो हो गई, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। ये देखिए पिक्चर में, देखिए पिक्चर में, देखिए कुछ जो है लड़के हैं कूट रहे हैं, क्योंकि उसने शायद लड़की छेड़ी है, लड़की की स्ट्रिप खींची है इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग को जोर मत डालिएगा कि हाँ भाई ऐसा सेंटेंस क्यों बनना है। बस आपको चीज़ें ऐसी ढूंढनी है जो आप डायरेक्टली, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ, तो आपको वो कैब परमानेंटली याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई हो जाना, मतलब कोई सेटिस्फाइड हो गया है किसी चीज़ को देख के, या किसी भी चीज़ को देख के सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके लिए हम कॉन्टेंटेड यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्टेंटेड मतलब रिजल्ट के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीन के बेसिस भी यूज़ करते हैं, मेनली आउटपुट के बेसिस पे यूज़ करते हैं कॉन्टेंटेड। तो कॉन्टेंटेड को याद करने की ट्रिक क्या होती है? कॉन्टेंटेड को दो वर्डों में तोड़ लीजिए, कॉन प्लस टेंटेड। तो
कौन प्लस टैलेंटेड, और सेंटेंस फिर इसका बना लेंगे, क्लास के बच्चों में कौन ज़्यादा टैलेंटेड है यह देखकर टीचर जो है वो संतुष्ट हो गया, या फिर प्रिंसिपल जो है वो संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई वही बच्चे टैलेंटेड है जो पढ़ते हैं एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले जो है वो नाकारा है और जो ना पढ़ने वाले हैं वो फंसता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दोबारा सेंटेंस रिपीट करता हूँ, क्लास के बच्चों में कौन ज़्यादा टैलेंटेड है यह देखकर प्रिंसिपल संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है एक्चुअली, और दूसरी चीज़ इसके लिए कोई पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैंने पिक्चर का यूज़ नहीं करा है। अगला वर्ड देखते हैं वेनीरेशन। वेनीरेशन का मतलब होता है मोडेस्ट, रिस्पेक्टफुल, लिबरल, जो मतलब काइंड वाला पर्सन हो, जिसमें दया भावना हो, जो रेस्पेक्ट करना जानता हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। तो वेनीरेशन को आप तो याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए वेनीरेशन को आप ध्यान से देखिए, वेनीरेशन में को आप कन्वर्ट कर लीजिए न्यू जनरेशन, जो न्यू जनरेशन में, तो आप बस बहुत इजीली आप याद कर लेंगे। सेंटेंस कैसे बन जाएगा, जो न्यू जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, आपके बाल बच्चों जो आएंगे, और जो है आपके बाल बच्चों के जो बाल बच्चे आएंगे, तो वो न्यू जनरेशन कहलाएगी ना। तो न्यू जनरेशन को ऑब्वियसली सी बात है, जो बड़े लोग हैं, जो जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, रेस्पेक्ट उनको रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उनके लिए मोडेस्ट रहना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है जो दुखी हो, निराश हो, बेरंग हो, है ना, कलरलेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग कलरलेस है तो दिस इज़ अ ब्लीक पेंटिंग, क्योंकि उसमें कलर नहीं है। फोटो भी लिया है मैंने अभी, बट आगे देखते हैं। और अंदर से कोई दुखी हो, नीरस हो, जिसे बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड भी आता है नीरस, है ना, तो वहाँ पर ब्लीक का यूज़ करते हैं। बेसिकली ब्लीक को हम यूज़ करेंगे जब जहाँ पर मतलब कोई सैड थॉट या फिर कोई सैड जो है मोमेंट इनसाइड चल रहा हो, उसके बंदे के मन में चल रहा हो, तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे। तो ब्लीक को हम याद करने के लिए क्या ट्रिक लेंगे, ब्लीक को आप दो वर्डों में तोड़ लीजिए, बायो प्लस पेपर लीक। तो बायो का पेपर लीक हो गया, इसलिए जो होशियार बच्चे थे, क्योंकि भाई वो तैयारी करके आए थे, तो वो निराश, दुखी, उदास, बेरंग, सैड, ग्लूमी है, ये हो गए। अब यहाँ पे एक वर्ड है कलरलेस, ये आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कलरलेस जो है, कलरलेस जो वर्ड है इसको यूज़ इसलिए और करा गया है क्योंकि इसका एक मतलब और होता है। कलरलेस का कहते हैं ना कि मेरी बेरंग दुनिया हो गई है, बेरंग दुनिया का मतलब ये है कि कोई एक्साइटिंग नहीं रही, एक्साइटमेंट नहीं रही। तो जहाँ पर इस तरीके का थॉट या इस तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं कि कोई मेरी दुनिया इंटरेस्टिंग नहीं रही, या फिर हम दो थॉट प्रोसेस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक की तो इंटरेस्टिंग लाइफ है, एक की इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसके लिए भी हम ब्लीक यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए पेंटिंग है, ये पेड़ खड़े हुए हैं, तो आप देख रहे हैं ये पेड़ों में कोई कलर है, ये ब्लैक, ये कलरलेस पेंटिंग है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ ब्लीक पेंटिंग, ब्लीक ट्री पेंटिंग, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में बैठ आ रही होंगी, आप वर्ड रिटेन कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें गिव अप कर देना, अगर नहीं हो पा रही है तो ये तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए आप रिलिंक्विश को दो वर्ड में तोड़ लीजिए, रिलिन और खुश, रिलिन और खुश। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, रिलिन कोई बंदा है, उसको खुश करते करते मैंने गिव अप कर दिया, भाई वो मेरे से नहीं इम्प्रेस हुआ। ठीक है, तो इसका तो रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना। ठीक है, अब एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि आपने एक फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है नेवर गिव अप, जैसे कि आप इसको और अच्छी तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली सी बात है एसएससी सीजीएल का मेंस आ रहा है, आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गिव अप नहीं करना है, अगर नहीं हुआ है तो गिव अप नहीं करना है। 2020 में जिनका प्री अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, 2020 में का प्री दोबारा खड़ा हुआ और इसी साल होगा, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। तो कहने का मतलब है कि गिव अप नहीं करना है, ये फ़ोटो इसीलिए लगाई गई है, गिव अप नहीं करना है, तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इजीली कि जो है मेरे को गिव अप नहीं करना है, तो आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिए।
अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है किसी जो है एडमायरेबल हो, कुछ ऐसा काम करा गया जो एडमायरेबल हो, प्रशंसाजनक हो, हिंदी में बोलेंगे कि हाँ भाई वो काम बहुत प्रशंसाजनक है, प्रेज वर्थ हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको देखिए, याद करने के कई तरीके हैं। एक छोटा सा तरीका मैंने भी यूज़ करा है जिससे आपकी थोड़ी बहुत इस जिसमें आपका एक जीके का क्वेश्चन भी इंक्लूड है। मैंने ऐसे इसको सेंटेंस कैसे बनाया है, प्लॉसिबल को आप कन्वर्ट कर लीजिए इम्पॉसिबल में, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इम्पॉसिबल में जैसे ही आपने कन्वर्ट करा तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इम्पॉसिबल काम जो इम्पॉसिबल काम जो होते हैं जो लोग करते हैं वो प्रशंसाजनक होते हैं। अब जैसे कि इंडिया ने, आप ये फोटो लगा हुआ, इंडिया ने टॉलेस्ट स्टैचू बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। बाकी के और भी लगे हुए हैं आप देखिए, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 है, सबसे ऊँचा है। तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल काम था इंडिया के लिए, लेकिन हम लोगों ने वो बनाया, तो इंडिया की पूरे वर्ल्ड वाइड जो है प्रेज वर्थ, ये हमने एडमायरेबल वाला काम करा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका याद करने का क्या है, मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊं। मतलब बात वही है, कनेक्ट करने की चीज़ें होती हैं, कहाँ किस हद तक आप सोच सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो है हमारे 14 फेब को CRPF के कई सारे जवान मारे गए थे, ठीक है, तो उसका बदला हमारी इंडियन एयरफोर्स ने लिया लिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने कैसा काम करा, एक प्लॉसिबल काम करा, एक एडमायरेबल काम करा, प्रशंसाजनक काम करा। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के तरीके हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं वर्ड को, किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये कोई घटना हुई है, अगर ये कोई इवेंट हुआ है, तो मैं जो मुझे वर्ड पता है उसमें मैं इस घटना में, इस इवेंट में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये 10 वर्ड दोबारा याद हो गए होंगे, रिटेन कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और जल्दी मैथ की क्लासें भी स्टार्ट होंगी और इंग्लिश की और चैप्टर्स भी स्टार्ट होंगे, तो देखते रहिए। वोकैब का सेशन 6 वीडियो आ चुकी हैं, आगे कंटिन्यू होंगी, सारी सारा वो कैब जो है आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चीज़ों को याद रखिए। थैंक यू।